हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेलबर्न एयरपोर्ट। तो दोस्तों, अभी मुझे माज भाई ड्रॉप करके गए हैं। माज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी ज़बरदस्त मेज़बानी उन्होंने मेरी की। और अभी मैं जा रहा हूँ सिडनी, तो चलें जी सिडनी चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चेक इन कर लें और बोर्डिंग पास ले लें। सुबह सुबह की फ्लाइट है, नींद पूरी नहीं हुई। नॉर्मली ये जो सुबह सुबह की फ्लाइट्स होती हैं यही सस्ती होती हैं ज़्यादा। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यूरोप की तरह नहीं है कि जहाँ पे सस्ती फ्लाइट्स मिल जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में फ्लाइट्स काफ़ी महंगी होती हैं। जब भी आपकी फ़्लाइट हो, हमेशा बोर्डिंग पास और बैगेज रिसीट, इनकी तस्वीरें मोबाइल में ज़रूर बना लें। वाह जी वाह, कुड़ी का हैट कितना सोना। कोई गल नहीं, मेरे को भी यहो जहा हैगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि वहाँ पे मशीन्स थी, वहाँ से हमने चेक इन और बोर्डिंग पास ले लिए। क्योंकि इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में लेबर बड़ी महंगी है, तो ये हत्तल इम्कान मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। बंदा एम्प्लॉय करना बड़ा महंगा पड़ता है, इस वजह से ये मशीन्स इस्तेमाल करते हैं। यूके और यूरोप में भी यही कुछ हो रहा है। जहाँ पे पहले इनको 10 बंदे चाहिए होते थे, वहाँ पे अब इनको 1 या 2 बंदे चाहिए होते हैं। तो चलें जी, हम जाते हैं सिक्योरिटी पे। अपना बैग मैंने पहले ही ड्रॉप कर दिया है, सिक्योरिटी से गुजरते हैं हम। मैं ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल देखने आया था, मुझे वीज़ा लेट मिला था, वरना मेरा तो रहा था पूरा टूर्नामेंट यहाँ पे आके देखता। तो मैं सोच रहा था कि अगर सिडनी मेलबर्न के दरमियान मुझे 2-3 दफ़ा भी ट्रैवल करना पड़ गया तो फ्लाइट्स की कॉस्ट ही अच्छी खासी हो जाएगी। ये यूरोप की तरह नहीं है, यूरोप में फ़्लाइट्स बड़ी अच्छी सस्ती भी मिल जाती हैं। और इवन लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स भी लंदन में या यूके में निस्बतन सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यहाँ पे फ्लाइट्स एक्सपेंसिव हैं। नेक्स्ट टाइम अब शायद मेरा 6 साल बाद आना हो बशर्ते ज़िंदगी, क्योंकि 6 साल बाद फिर से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप होगा। मेरी नींद पूरी नहीं हुई और थकन से मेरी बुरी हालत है, आँखें मेरी जल रही हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बैठा हूँ एक ग्लास ऑफ ड्रिंक के लिए। अभी फ्लाइट में टाइम है तो ग्लास ऑफ ड्रिंक एंजॉय करते हैं। मेलबर्न टू सिडनी फ्लाइट टिकट मुझे 250 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में पड़ी है, जो कि US डॉलर्स में बनते हैं 164 और पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 47,000 रुपये। वैसे तो मैं अपनी फ़्लाइट से काफ़ी पहले एयरपोर्ट पहुंच गया था। वर्जन एयरलाइंस, मेरे ख्याल से ये जहाज़ होगा वर्जन का जिस पे हमने जाना है। अब पता नहीं ये है या दूसरा है, आगे चल के देखते हैं हम। लो जी, अपनी सीट पे आके सेटल होके बैठ गए हम। ये बिल्कुल फ्लाई दुबई जैसा या एयर अरेबिया जैसा जहाज़ है, बेसिक सा जहाज़ है, तो इसमें इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने अपने लैपटॉप पे ही कुछ एंटरटेनमेंट लगा ली। 83 मूवी मेरा फेवरेट सीन, इंडियन टीम इंग्लैंड जा रही है वर्ल्ड कप खेलने।
बाकी अगर मैं फ़्लाइट की बात करूँ तो बिल्कुल फ्लाई दुबई या एयर अरेबिया जैसा जहाज़ है, बिल्कुल बेसिक सा सादा सा, उसमें कोई भी ख़ास चीज़ नहीं है। वैसे भी छोटी फ़्लाइट है, तकरीबन 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो ये जहाज़ इट डज़ द जॉब। लेकिन कुछ भी इसमें ख़ास लग्जरी या VIP नहीं है। हमारी फ़्लाइट मेलबर्न टू सिडनी बिल्कुल स्मूथ जा रही है, और चलें ज़रा जहाज़ का चक्कर लगाते हैं, ज़रा जायज़ा लेते हैं। खैर खैरियत से सिडनी पहुंच गए हैं, तो पहले मैं पैसेंजर्स को निकलने देता हूं और उसके बाद फिर एंड में मैं ख़ुद भी उतरूँगा। नॉर्मल फ़्लाइट थी, स्मूथ फ्लाइट थी। तो जनाब ये सिडनी एयरपोर्ट, चल के देखते हैं कैसा एयरपोर्ट है। सिडनी एयरपोर्ट मैं पहले जाके अपना बैग कलेक्ट करूं और उसके बाद फिर मुझे ट्रेन लेके सेंटर ऑफ द सिटी जाना है जहां पे मेरा हॉस्टल है। अच्छा जी, यहाँ से हमें ट्रेन मिलेगी। प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ, ट्रेन का इंतजार है। ट्रेन आ गई, तकरीबन 25 से 30 मिनट में हम सेंटर ऑफ द सिटी पहुंच जाएंगे। ट्रेन का स्टाइल जर्मन वाली ट्रेनों जैसा है, जर्मनी की ट्रेनों जैसा। ये सेंटर ऑफ द सिटी का स्टेशन है, यहाँ से एक शॉर्ट वॉक है और नज़दीक ही मेरा हॉस्टल है। ये बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में हॉस्टल है, और देखेंगे लोकेशन कितनी अच्छी है, बिल्कुल नज़दीक हॉस्टल है। इस हॉस्टल का नाम सिडनी YHA है, और ये एक मेन हॉस्टल है। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, लोकेशन बहुत अच्छी है। अभी मेरा रूम वगैरह रेडी नहीं हुआ, तो इस वजह से मुझे बाहर वेट करना पड़ रहा है, तो ये वेटिंग एरिया है जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। जब तक मैं चेक इन नहीं करता उतनी देर ज़रा बाहर का चक्कर लगाते हैं और कुछ खाना पीना करते हैं। इस हॉस्टल में मुझे 2 रातें रुकना है, और 2 रातों के 118 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि 78 US डॉलर्स के इक्विवेलेंट है, वो मैं पे करूंगा। पाकिस्तानी 22,000 रुपये। आपको हॉस्टल का टूर देते हैं। ये कॉमन एरिया है, काफ़ी खुला कॉमन एरिया है, साथ में किचन है,
अगर आप चाहें तो अपना खाना खुद बना सकते हैं। खाने की ग्रोसरी आपने खुद लेके आनी है, लेकिन बर्तन और चूल्हे वगैरह आप हॉस्टल के यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा कॉमन एरिया आप देख सकते हैं और यकीन करेंगे इसी के पैसे हैं। सिडनी दुनिया के महंगे तरीन शहरों में से एक है, इसी वजह से यहाँ पे एक हॉस्टल बेड के भी मुझे 11,000 रुपये पर नाइट देना पड़ रहे हैं। ये मेरा डोम रूम है, यहाँ पे 5 बेड लगे हुए हैं। मेरे अलावा यहाँ पे कोरियन लड़के थे और ये नीचे वाला बेड मेरा है। जिन लोगों ने मुसलसल स्टे करना होता है उनके बेड आप देख सकते हैं अनटाइडिंग हैं, लेकिन जो चेकआउट कर जाते हैं उनकी जगह बेड बिल्कुल क्लीन करके रेडी किए जाते हैं। तो जी देखें, ये नीचे वाला बेड मेरा है। तो मैं अब आराम करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर वीलॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए। शुक्रिया।